उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घरेलू गैस सिलेंडर और स्लोगन लिखे पोस्टर लेकर महंगाई का विरोध किया। सरकार से गैस की मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग की। समाजवादी पार्टी अयोध्या विधानसभा अयोध्या महानगर कमेटी के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 25 रुपया आज गैस का दाम बढ़ाया गया है, इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। जब से योगी जी और मोदी जी की सरकार आई है, लगातार पेट्रोल गैस डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, लोगों की रसोई और किचन में भी डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज जब कोरोना काल में लोग भुखमरी के कगार पर आ गए हैं, लोगों का जीवन यापन दुर्लभ हो गया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार गैस के दामों को, पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ाकर जुल्म और अत्याचार कर रही है। झोपड़ी में रहने वाले किसान, मध्यम वर्गीय मजदूर, किसानों के ऊपर जुल्म अत्याचार भाजपा की सरकार कर रही है। आज हम मांग करते हैं महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय से कि गैस के दाम वापस लिए जाएं, मध्यम वर्गीय और किसानों पर पड़ने वाले इस बोझ को खत्म किया जाए। महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें घरेलू गैस के दामों में वृद्धि को लेकर सपाई सड़कों पर उतर गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सर पर गैस सिलेंडर रखकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार विरोधी जमकर नारे लगाए। पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे का बयान जारी किया और कहा कि जब से केंद्र एवं प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, पेट्रोल डीजल घरेलू गैस के दाम में लगातार वृद्धि हो रही है। उनका कहना था कि लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रखी, अब घर की रसोई को भी सीधे तौर पर प्रभावित किया गया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेतावनी दी है कि यदि गैस सिलेंडरों के बढ़ाए गए दामों को वापस नहीं लिया गया तो वे आंदोलन शुरू कर देंगे।